यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम इसको सम अप करें तो एक्स में वैल्यू है नाइन्टी बैलेंस वाई में वैल्यू है फिफ्टी और बैलेंस डी में वैल्यू है थर्टी फाइव अगर इन तीनों को सम करें तो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी वन सेवेंटी फाइव पर ट्रांज़ेक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो सम वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू क्या आई है बेसिकली दैट इज़ वन एटी फाइव द रीज़न इज़ के दोनों ट्रांजेक्शन बैलेंस एक्स को एट द सेम टाइम कंकरेंटली एक्सेस कर रही है इसलिए जो है वो वैल्यू में इशू आ रहा है तो हमारे पास वैल्यू आ रही है वन सेवेंटी फाइव और एक्चुअल में जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो क्या थी वन सेवेंटी फाइव तो अब हम इसको इसी को इसी कैजूअल के ऊपर लॉकिंग अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि आया कि इसकेजूअल जो है वो उससे रिजल्ट ठीक जनरेट होते हैं या नहीं होते तो यहाँ पे हमने देखें बेसिकली लॉकिंग अप्लाई की है अब जब ट्रांजैक्शन टी फाइव ने बैलेंस एक्स की रिक्वेस्ट की तो क्योंकि टी फाइव ने पहले रिक्वेस्ट की बैलेंस एक्स की इसलिए बैलेंस एक्स टी फाइव को एलोकेट हो गया इन द वाइल जब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे T6 ने बैलेंस एक्स की रिक्वेस्ट की तो T6 को जो है बैलेंस एलोकेट नहीं हुआ क्योंकि जो ट्रांजेक्शन पहले रिक्वेस्ट करेगी उसी को लॉक जो है वो अवेलेबल होगा अब यहाँ पे जब ट्रांजेक्शन T5 जो है वो डेटा को रीड कर रही है तो इन नीन वाइल इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रांजेक्शन टी क्या कर रही है वेट कर रही है जब तक ट्रांजेक्शन टी स एक्स को रिलीज नहीं कर करे ले, कर लेगी तब तक ट्रांजेक्शन टी सिक्स क्या करेगी वेट करेगी तो यहाँ पे आप देखें जो नया हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है दैट इज अनलॉक तो इसका मतलब है अगर तो ट्रांजेक्शन कमिट करती है या रोल बैक होती है तो इन दैट केस सारे के सारे लॉक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे रिलीज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे या ट्रांजेक्शन जो है वो डेलीबरेटली अनलॉक के स्टेटमेंट इशू करती है अनलॉक स्टेटमेंट का मतलब है कि इस डेटा आइटम की फर्दर हमें जरूरत नहीं है आप इसको क्या कर दें फ्री कर दें जैसे ही ट्रांजेक्शन टी फाइव डेटा को फ्री करेगी एट द सेम टाइम डेटा आइटम एलोकेट हो जाएगा टी सिक्स को और टी सिक्स जो बैलेंस एक्स की वैल्यू क्या रीड करेगा 90 रीड करेगा और तकरीबन बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम जा रहा है अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कि एक्स वाई और जी की जो वैल्यूज हैं नाइन्टी फिफ्टी और थर्टी फाइव उनको अगर ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो क्या थी वन सेवेंटी फाइव विच इज बेसिकली अ करेक्ट वैल्यू तो यहाँ पे हमने देखा कि कंसिस्टेंसी के जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन सारे के सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर अगर हम लॉकिंग अप्लाई करें तो प्रॉब्लम जो है वो हमारे सॉल्व <ख्याँ> हो जाते हैं बट देर आर सम प्रॉब्लम इन लॉकिंग एज वेल कि लॉकिंग जो है वो अप्लाई करने से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये स्केजूअल है और इस्केजूअल में ट्रांजेक्शन एक्स टी एक्स को रीड कर रही है और वाई को भी रीड कर रही है और ट्रांजेक्शन टी बी जो है वो भी एक्स और वाई को रीड कर रही है और एंड ऑफ द डे अगर हम कंकरेंटली चलाएं तो एक्स में 250 आता है और वाई में जो है वो 130 आता है सिंपल बाय एग्जीक्यूशन बोथ एज्यूमिंग दैट कि स्टार्टिंग में एक्स में 100 पड़ा था और वाई में 50 पड़ा था तो जब हम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो एंड ऑफ द डे एक्स में 250 आता है और वाई में 130 आता है तो ये एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं ये कंकरेंटली एग्जीक्यूट करने के बाद जनरेट हुई जिसमें लॉकिंग भी अप्लाई हो रही थी अब अगर हम इसी प्रोसेस को सीक्वल में चलाएं, सीरियल में चलाएं, सीरियल का मतलब है कि ट्रांजेक्शन को वन बाई वन चलाना चाहिए और जैसा कि हमें पता है कि ट्रांजेक्शन को जब सीरियल में चलाते हैं तो आंसर हमारे पास हमेशा करेक्ट आता है तो ट्रांजेक्शन टी ए और ट्रांजेक्शन टी बी को हम वन बाय वन एग्जीक्यूट करेंगे और सीरियल में एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं कि आंसर क्या आता है तो इनिशियल वैल्यूज़ हमारे पास x इक्वल टू हंड्रेड थी और y जो है वो 50 थी तो so सिंपली x 100 लीड करेगा 100 प्लस फिफ्टी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 150 और y में 50 था और 50 प्लस थर्टी क्या हो जाएगी 80 तो so जब ट्रांजेक्शन t a एग्जीक्यूट होगी तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ a x में 150 पड़ा होता पड़ा है और y में 180 पड़ा है अब एग्जीक्यूट होगी ट्रांजेक्शन टी भी तो यहां पे ट्रांजेक्शन टी भी पहले y को रीड करिए जब वो y को रीड करेगी तो y में क्या पड़ा है एटी तो एटी प्लस मल्टीप्लाई बाय टू इज वन सिक्सटी और x जब रीड करेगी x में 150 फिफ्टी पड़ा है तो 150 फिफ्टी प्लस हंड्रेड क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आती है 250 एंड 160, सिक्सटी विच विल बी कंसिडर्ड एज करेक्ट वैल्यू एक्चुअल में ये वैल्यू होनी चाहिए थी क्योंकि सीरियल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा करेक्ट कंसिडर की जाती है अब आप देखें कि सीरियल कैजुअल में हमारे पास X में 250 है आफ्टर एग्जीक्यूशन और Y में 160, सिक्सटी विच मस्ट बी करेक्ट वैल्यूज ऑन द अदर हैंड नॉन सीरियल में X में तो 250 है Y में बेसिकली क्या पड़ा हुआ है 130 थर्टी विच इज कंसिडर्ड एज इन करेक्ट वैल्यूज द रीजन बिहाइंड कि अगर हम इनको सीरियल में चलाते हैं तो Y में पहले बेसिकली क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है और बाद में एड होगा अगर हम इनको नॉन सीरियल चलाएं कंकरेंटली चलाएं अगर हम इनको सीरियल में चलाते हैं तो पहले ट्रांजेक्शन टी ही चलेगी इट मीनस पहले ऐड होगा और बाद में मल्टीप्लाई होगा तो हमें पता है कि प्रेसिडेंस जो है वो मैटर करती है अगर पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में ऐड करें वैल्यू डिफरेंट आती है पहले ऐड करें और बाद में मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू जो है वो डिफरेंट आती है जिसकी वजह से लॉकिंग अप्लाई करने के बावजूद वी हैव दिस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है नाउ दैट इज टू फेज लॉकिंग दैट इज एन एक्सटेंडेड लॉकिंग प्रोसीजर जो कि मेक श्योर sure करता है कि किसी भी तरह का जो है वो इशू जनरेट ना हो फेज लॉकिंग बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है वो ये कहता है जितने भी लॉक ऑपरेशन दे फर्स्ट लॉक ऑपरेशन मतलब ये कि जितने भी लॉक ऑपरेशन हैं, वो पहले अनलॉक ऑपरेशन से पहले आने चाहिए प्रीसीड मतलब पहले आने चाहिए मतलब वंस ट्रांजेक्शन मतलब, कि जब आपकी ट्रांजेक्शन एक दफा अनलॉक स्टेटमेंट इशू कर देगी उसके बाद किसी भी तरह का लॉक की स्टेटमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए यहां पे डेटा आइटम का जिक्र नहीं हो रहा कोई भी डेटा आइटम हो सकता है तो अनलॉक स्टेटमेंट अनलॉक का कीवर्ड आने के बाद दोबारा किसी भी तरह का लॉक का कीवर्ड नहीं आना चाहिए या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सारे के सारे लॉक ऑपरेशन लॉक ऑपरेशन मस्ट अपियर बिफोर फर्स्ट अनलॉक ऑपरेशन को जो पहला अनलॉक ऑपरेशन होगा सारे के सारे लॉक ऑपरेशन उस पहले अनलॉक से पहले पहले होने चाहिए उसके बाद नहीं होने चाहिए टू फेज लॉक में दो फेज होते हैं एक होता है ग्रोइंग फेज ग्रोइंग फेज का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो ऑपरेशन आएंगे वो कौन से होंगे लॉक ऑपरेशन होंगे कि ट्रांजेक्शन जो है वो सिर्फ लॉक करिए डेटा सिर्फ लॉक करिए अनलॉक नहीं करी तो जिस फेज में सिर्फ और सिर्फ लॉक ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो फेज क्या कहलाएगा ग्रोइंग फेज ऑफ दैट ट्रांजेक्शन एंड वी है मतलब है कि इस फेज में सिर्फ और सिर्फ लॉक बेसिकली रिलीज हो रहे हैं रिलीज लॉक होने का मतलब है अनलॉक हो रहे हैं लॉक अनलॉक करें और किसी भी तरह का न्यू लॉक जो है वो अक्वायर नहीं किया जा रहा तो श्रिंकिंग फेज में सारे के सारे अनलॉक ऑपरेशन होंगे और ग्रोइंग फेज में सारे के सारे लॉक ऑपरेशन होंगे तो सिंपली टू फेज लॉकिंग क्या कहता है कि वंस यू हैव डन अनलॉकिंग यू हैव स्टार्टेड अनलॉकिंग तो उसके बाद आप किसी भी तरह का नया लॉक एक्वायर नहीं करेंगे दैट्स इट कीपिंग इन माइंड कि टू फेज लॉकिंग में हर ट्रांजेक्शन का टू फेज लॉकिंग को सपोर्ट करना मस्ट है हर ट्रांजैक्शन जो है वो अनलॉक के बाद दूसरी दफ़ा लॉक नहीं करेगी